हेलो दोस्तों, ब्यूटी एंड हेल्दी चैनल पर आप सबों का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कोई भी त्योहार क्यों ना हो, पर मकसद बस इतना ही है कि ऊपर वाले का नाम लेकर मन पवित्र हो जाए और अपने सगे संबंधियों के साथ आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहे। पर अगर हम इस त्योहार को थोड़ी अभिमंडी के साथ मनाते हैं तो हम कुछ परेशानी से बच सकते हैं। क्या आपको पता है, होली का रंग चेहरे को कर सकता है बदरंग? जी हाँ, बुरा ना माने होली ये कहते हुए जब कोई अपना रासायनिक रंग लेकर आपकी ओर बढ़े तो आप उनसे विनती कर ऐसा करने से रोकें। कहीं ऐसा न हो कि रासायनिक रंग हमेशा के लिए आपके चेहरे को बदरंग कर दे। एक दिन की होली आपके चेहरे पर झुर्रियां, छाइयां और एक्जिमा जैसी बीमारी ला सकती है, जिसका अफसोस आपको ताउम रहेगा। और यदि ऐसे हानिकारक रंग या गुब्बारे की मार आपकी आंख पर पड़ा तो स्थायी रूप से अंधे भी हो सकते हैं। फेफड़े में रंग के जाने से दमा का अटैक भी पड़ सकता है। स्किन प्रॉब्लम्स। आजकल होली के रंगों में बड़े पैमाने पर ऑयल कलर, सॉल्वेंट, केमिकल डाई, टॉक्सिक पदार्थ और नुकसानदायक तत्व घोले जा रहे हैं। इससे आपकी त्वचा खाज, खुजली, रस, एक्जिमा जैसी बीमारियां की शिकार हो जाती है, जो लंबे समय तक परेशान करती है। जिन लोगों को त्वचा की समस्या हो और मुहासे हो, उनके लिए रासायनिक रंग और भी अधिक नुकसानदायक साबित हो सकता है। बाजार में बिकने वाले रंगों में सीसा, मायका, चूना, मिट्टी, मरकरी जैसे हानिकारक तत्व मिले होते हैं। यह त्वचा के भीतरी स्तर तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन्हें मुहासे हैं वो दूर रहें। होली का रंग छुड़ाने के लिए स्त्री और पुरुष क्लिनशो साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला व पुरुष की त्वचा की अलग अलग प्रकृति को देखते हुए दोनों के लिए अलग अलग क्लिनशो साबुन का निर्माण किया गया है। जिन्हें मुहासे हैं वो रंग से दूर रहें और मुहासे को दूर करने के लिए क्लिनशो क्रीम का इस्तेमाल करें। यह मुहासे के दानों को भरने से लेकर उनसे उत्पन्न दाग धब्बे से भी चेहरे की त्वचा की रक्षा करता है। आरी प्रॉब्लम्स। केमिकल से तैयार रंग आंखों के कॉर्निया व कंजेक्टाइवा को नुकसान पहुंचाते हैं। गुलाल में इस्तेमाल होने वाले चमकदार मायका कॉर्निया को क्षतिग्रस्त कर सकता है। कंजेक्टाइवा आंख का सफेद वाला हिस्सा है जिसमें लाली के साथ जख्म हो सकता है। कॉर्निया को ऐसे रंग न केवल जख्मी करते हैं बल्कि समय आलसी भी हो सकता है। यदि गुब्बारे की चोट आंख पर लगा हो तो आंख में खून उतर सकता है, रेटिना फट सकता है, सफेद मोतिया हो सकता है और स्थायी अंधता भी उत्पन्न हो सकती है। फेफड़े पर प्रभाव। होली के रासायनिक रंग तो नुकसानदायक हैं ही, सूखे रंग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुलाल में मौजूद कई तरह के केमिकल सांस के जरिए फेफड़े तक पहुंचकर दमा के अटैक का कारण बन सकता है। होली के दिन दमे के मरीज को खास ख्याल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे खेले सुरक्षित होली। रासायनिक रंगों की जगह फूलों से बने रंगों का इस्तेमाल करें। मारीगोल्ड, चाइना रोज, बटरफ्लाई पी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जैसे फूलों के इस्तेमाल से अच्छे रंग बना सकते हैं। होली से पहले त्वचा व बाल में हल्का नारियल तेल लगा दें। चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं। रंग हटाने के लिए चेहरे को रगड़े नहीं, आंख में रंग जाने पर तुरंत नल के नीचे बहते हुए पानी से आंख धोएं। कम से कम 20 सेकंड 30 मिनट तक आंख धोएं। आंख को न मले, अपने आप कोई दवा न डालें और तत्काल डॉक्टर से मिलें। चेहरे व आंखों पर गुब्बारा मारने से बचें। शरीर के अधिकांश हिस्से को कपड़े से ढक कर बाहर निकलें। होली खेलने वाले लोग अब स्किन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर्स ने एक ऐसा सफेद हर्बल गुलाल तैयार कर लिया है जो त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय में इस गुलाल का पेटेंट हो चुका है। यूनिवर्सिटी के उपकुलपति सिद्धार्थ दत्ता ने इस दौरान गुलाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाजार में बिकने वाले अन्य रंग बिरंगे गुलालों के विपरीत यह सफेद गुलाल टेलकम पाउडर जैसा दिखता है। इसमें ऐसे तत्व शामिल नहीं किए गए जो कि सीके त्वचा के लिए नुकसानदायक हों। गुलाल में ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो त्वचा की कई बीमारियों में भी लाभकारी माने जाते हैं। ये गुलाल फूलों और नीम के अर्क तथा अन्य हर्बल उत्पादों से तैयार किया गया है और इसमें रजनीगंधा की खुशबू मिलाई गई है। छालों में लाभकारी है सफेद हर्बल गुलाल। इन दिनों बाजार में बेचे जा रहे रंगों में जस्ता और पारे जैसी भारी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिनसे त्वचा में जलन होती है तथा छाले भी पड़ जाते हैं। सांस के साथ अंदर जाने पर इन रंगों से गुर्दा, फेफड़ों और यकृत में समस्या हो सकती है। यह नया सफेद गुलाल उन अभिभावकों के लिए भी उपयुक्त है जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के डर से अपने बच्चों को पानी और सूखे रंगों से होली खेलने की अनुमति नहीं देते। बच्चों और लड़कियों के लिए रहेगा बेस्ट व्हाइट हर्बल गुलाल। खासतौर पर बच्चों व अत्यंत कोमल और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शानदार खुशबू है जो देशा के करी गार्डन्स के फूलों द्वारा गुलाल में इंसाइड की गई है।
प्रयोग के तौर पर साल 2012 में जादवपुर यूनिवर्सिटी से करीब 100 किलो व्हाइट कलर वाला हर्बल गुलाल बेचा गया। इस बार बाजारों में यह आसानी से मिल रहा है। तो दोस्तों, हैप्पी होली, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।